अगर तुम भी घर से चली जाओगी। लेकिन मैं रुक भी तो नहीं सकती हूँ ना रंजू, वहाँ राकेश लेस को कहाँ तक अकेले संभालेंगे, और फिर चौधरी चाचा की माँ को भी इंग्लिश नहीं आती है, वो लिस की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन रंजू यहाँ। दीदी आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, कब तक पाजी को यहाँ वहाँ की कहकर बहकाती रहूंगी? अगर दिलीप के बारे में कुछ पूछ बैठेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? ऑलरेडी ऑलरेडी क्या? वो पहले ही कह चुके हैं कि दिलीप को एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभानी है उनकी डायरेक्शन में। भूमिका ही तो निभा रहा है बेचारा, चाहे अपने तौर से अपने तरीके से। खैर तू चलती है मेरे साथ तो चल, यहाँ अतुल है रंजीत है, संभाल लेंगे पाजी को, और फिर तू रहेगी तो मुझे भी हौसला रहेगा। एंड मे बी यू कैन अंडरस्टैंड लिस बेटर देन मी। चल खाना खा ले। नहीं मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा बेटा। नहीं प्लीज बिल्कुल नहीं। हाँ ले बेटा, ये छोरी मेरे से तो कुछ ना खावे, तू ही कोशिश करके देख। तू जा माए। अच्छा हम ठहरे मरद जात, मैं उसके ससुर बराबर और तू उसके रिश्ते में उसका नंदोई। अब बता, बाय रिमेनिंग विद इन दी सर्कल ऑफ मर्यादा हाउ टू मेक हर ईट रोटी सोटी। समस्या तो है चौधरी साहब। समस्या? अरे घोर समस्या, जटिल समस्या। अरे अगर ये लड़की कुछ खाती पीती नहीं है तो मुझसे दुबली पतली है छोरी, कोई फूंक मारे ना तो पटियाले जा पहुंचे। One try. If tomorrow something ऊपर वाला ना चाहे happens to you, तो my nose will be तो cut ना बिटवा। Please, चाचा का कहने का मतलब ये है कि it will be a matter of great dishonor for him if you pop off by starving. Please do eat something, Liz. Yes, yes, something. Eat little. Do grass is sahi. Please keep my nose. Matlab my izzat. Chacha, I like you very much, but I just can't. Thoda khana to khana hi padega, Liz. ये मैं खिलाती हूँ इसे। प्लीज बेबी लिटिल लिटिल बिट, शुद्ध घी में बना हुआ देख। लिटिल बिट नो प्लीज, खा लो लिज प्लीज भाभी। नो देखो खाओगी नहीं तो तुम्हारे में स्ट्रेंथ कैसे आएगी? एंड यू नो व्हाट, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ सेकेंड हनीमून। हनीमून? हाँ रंजीत भाई आ गए हैं, डू यू नो दैट? व्हाट? Now why has he come? Didn't I say ki I'm never gonna see him again? Never! I hope he doesn't know ki mere saath kya hua. I hope aap logon ne ye nahi bataya ki main zinda hu. Please tell him. Tell him I'm dead. Liz is dead. I've become a gutter woman now. Become impure, unchaste, a piece of dough. और रंजीत, आपने मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया? मुझे लिस से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? रंजीत ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और लिस के लिए भी। What the hell is happening here? घर में मैंने कल्पना दीदी और रंजना में खुसुर पुसुर होते सुना, उनको बाहर जाते हुए मैंने उन्हें फॉलो किया, और यहाँ आकर देखता हूँ कि पुत्र यहाँ जो भी देखा ना भूल जाओ।
और चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चल तो। लेकिन लिज। चल चल। कोई बात नहीं है लिज, तुम्हें खाना नहीं खाना है ना, मत खाओ, बाद में खा लेना। अच्छा बट प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ लिज, अपने आप को संभालो। प्लीज लीव मी अलोन। लिज भाभी प्लीज चुप हो जाओ। प्लीज लिज। हाँ तो बात कुछ इस तरह है बेटे। लाल, थैंक यू। लो, देखो बेटा, अगर बचपन से मेरी बातें मानते हुए आए हो तो ये बात भी तुम्हें माननी पड़ेगी। देखो हम तुम्हें यहाँ लाए हैं शराब के नशे में डुबोने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए लाए हैं कि तुम कुछ ढंग से सोच सको। क्यों बेटे, ये जो है ना, ये थोड़ी सी अंदर चली जाए तो अकल के ताले अपने आप खुल जाते हैं। चौधरी चाचा, लिस को आखिर हुआ? लिस, लिस के बारे में ही तो समझाने आए हैं तुम्हें। लो बेटे, लो, पी लो। हाँ। चाची जी, राकेश, अतुल, रंजीत, दिलीप सब तो लगे हैं लिस की तलाश में, पता चली जाएगा। भाभी तुम प्राची के पास जाओ, बहुत मुश्किल से संभाला है उन्हें, अब जाकर थोड़ी नींद आई है। ठीक है चाची जी, हुन तुसी भी आराम करो। मम्मी अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। लिज, 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 व्हाट अबाउट हर? कुछ पता चला? कैसा पता मम्मा? कहाँ है, किस हाल में है? बताया तो था मम्मी तुम्हें, पुलिस कर रही है तलाश जोर शोर से, मिल जाएगी जल्दी। जवान है, खूबसूरत है, फिर औरत साथ। ना ज्यादा मत सोचो मम्मी, सो जाओ थोड़ी देर। तुम नहीं समझते बेबसी औरत की। प्रार्थना करो ऊपर वाले से कि हमारी लिजू सही सलामत आ जाए, घर की इज्जत है वो। लिज का बलात्कार हुआ है। बलात्कार? लिज चाची का? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा चंचल, तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको, कहाँ जा? में चंचल का कोई हाथ नहीं है, सच। लिज ने खुद अपनी टूटी फूटी जबान से मुझे ये बताया। नहीं बुआ, इसका जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि उसी ने अगवा करवाया था उसे। नहीं छोड़ूंगा उसे। दिलीप, नहीं छोड़ूंगा। रुक जा दिलीप। चाची अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं। और हाँ, पुलिस को बीच में डालने की कोशिश भी मत करना, मैं अकेला ही निपटूंगा उससे। मैं अकेला ही निपटूंगा। अतुल, मम्मी वो लिज भाभी, एक बार औरत की इज्जत को दाग लग जाए मिटाए नहीं मिटता। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर लिज भाभी की इज्जत, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरा मतलब है अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई हो तो। क्यों पूछा ऐसे? देखो मम्मी, अगर अंदेशों में खटकों में तुम्हारा मन डूब सकता है तो ऐसे बुरे ख्याल किसी और के मन में भी तो आ सकते हैं। ठीक कह रहा है तुम, जमाना देखा ही मैंने, ऊपर वाले की मर्जी समझकर मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, खुद औरत हूं, समझती हूँ औरत की बेबसी मजबूरी। नहीं सह पाएगा तो उसका मर्द। हाँ, तो क्या कहते हैं, गम गम समझते हो ना ब्रदर? है वो गम चिपकाने वाला गम नहीं,
गम यानी सौरो दुख ट्रेजेडी, मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो कहते हैं गम भुलाने को ये ख्याल अच्छा है। सो ब्रदर हैव वन मोर एंड फॉरगेट गम। आई वोंट टेक अ ड्रॉप मोर, मुझे नहीं पीनी है बहुत शराब। वहां फिर आकर बात करते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि लिस को आखिर हुआ क्या है। बताता तो हूँ रंजीत, जब मैं और कल्पना लिस को लेकर होटल गए। ओह फिर वही होटल, फिर वही ये यही वो, आखिर सीधे सीधे मुझे बताते क्यों नहीं कि लिस को आखिर हुआ क्या है। अरे रे रे रे, छी छी छी, इतनी अच्छी शराब को जाया कर दिया, और मंगानी पड़ेगी। जब तक ये ले लो, लो दिमाग ठंडा हो जाएगा तो सब बता देंगे। हैं वेटर, इज इट अ रेप? हैज माय वाइफ बीन रेप्ड? क्या बलात्कार हुआ उसका? देखो रंजीत, ये बात हम पुलिस के सामने तुम्हें नहीं बता सकते थे। तुम तो देख ही रहते ना, लिस कितनी दुखी थी, कितनी तड़प रही थी। कौन सा गलत था तड़पना उसका? कौन सा गलत कह रही थी वो? She's impure, unchaste, a piece of dirt, piece of dirt. पवर सिंह जी, हुकुम मैडम। 7 नंबर पर कड़ी नजर रखना और नदीम को कह देना बाहर के गेट को ताला लगा। आप फिक्र मत करें मैडम। नमस्ते जी, मैं दिलीप सिंह, जिससे आपने फोन पर बात की थी। हाँ हाँ, आइए, कम इन, कम इन। नहीं, पहले आपके क्लिनिक ही चलते हैं। वो चंचल सिंह वही है ना? हाँ हाँ, वो तो वही है, पर अंदर तो आओ। आओ। चंचल सिंह जी, चंचल सिंह जी, उठो ना। साहब जी, रात से मेरा माथा ठनक रहा है। क्यों, क्या हुआ? रात भर से चौकीदार बाहर चक्कर लगा रहा है, और फिर वैसे भी क्या साहब जी, जब से उस डॉक्टरानी ने इस हाथ में पट्टी की है ना, तभी से उसका रवैया बदल गया हमारी ओर से। लगता उसे शक हो गया है कि हमने Thanks for the tea, Neera ji. You're welcome. तो अब चलें? चलो। I must warn you. About what? मुझे पता नहीं ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन, पर ये कुछ ठीक टाइप के लोग नहीं लगते। मुझे तो ये भी शक है कि चंचल सिंह को गोली लगते लगते बची है। जब तक तुम बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते, कोई स्टेप मत उठाना। नीरा जी, आप बिल्कुल डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वो भाग गया। कौन? वो कल रात को जो पेशेंट आया था। दिलीप! ओह माय गॉड!
चाची जी एनु छू दो, आपकी जगह तुलसी में पानी दे आती। हे राम, हे वाहेगुरु, सन्नाटा। अतुल तो सो रहा है और कल्पना, रंजना, रंजीता। सत श्री अकाल संधारणी। हाय रब्बा, रंजीते नु की हो गया? सतनाम। हे वे, क्या हुआ? जब बात इस तरह है, कल रात रंजीते हमारे साथ बार में गया था, वहां खास बगैर कुछ खाए पिए ही निकल गया, फिर पता नहीं किसी ठेके वेके पे रात भर पीता रहा शराब। सुबह ढूंढने निकला तो सड़क के किनारे पाया। फिर एक बात करनी थी सरदारणी। बोल। घर के लोग तो संकोच करेंगे, लेकिन मेरी अकल यह कहती है कि सच सच बताना सही रहेगा। बोल। हौसला रख के सुनो सरदारणी, इस घर की बहू रंजीते की वाइफ का बलात्कार हो गया है। चाची जी, मेरी लिजो। चंचल। चंचल का तो नहीं, लेकिन उसके साथियों का यह जरूर काम है। मैं चलूं सरदारणी। हेलो। हेलो, देखिए मैं डॉक्टर नीरा बेदी बोल रही हूँ, जयपुर से। परमजीत आंटी हैं। नीरा जयपुर से? हेलो आंटी, आपको फोन ना करती तो गलत होता। दिलीप। क्या हुआ दिलीप को? आंटी वो चंचल सिंह नाम का एक आदमी जो मेरे हॉस्पिटल में घायल पड़ा था, वो भाग गया और दिलीप उसके पीछे न जाने कहाँ निकल गया है। जीते, बुला अतुल को, बुला। क्या बात है मामा? अतुल, मैं नहीं जानती कि दिलीप के प्रति तुम्हारा वैर भाव है या प्यार का, लेकिन इस समय उसकी मदद करनी पड़ेगी। मामा, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें याद है जब तुम चंचल को सबक सिखाने एक छोटी कृपान ले जा रहे थे, मैंने तुमसे कहा था ये तलवार बड़े सरदार तुम्हारे डैडी की, तुम्हारी उस एक बालिश की कृपान की बजाय इस तलवार को अपने हाथ से तुम्हारे हाथ में सौंपूंगी, अगर परमात्मा ना करे कभी ऐसा मौका आ जाए तो। ये बात तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहती हूँ। अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे, थामो इसे और प्रतीक समझो इसे घर की आन बान का।